पहल अगर खुद से शुरू हो तो आप फिर मिसाल बन सकते हैं। गुरबिंदर सिंह इसीलिए एक मिसाल हैं। और ऐसी ही मिसाल बनी है दो आदिवासी छात्राएं, देश की बाकी बेटियों के लिए। दसवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राओं ने छेड़छाड़ करने वाले युवकों का ना सिर्फ बहादुरी से सामना किया बल्कि उसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। ये लड़कियां मिसाल हैं दिलेरी की। सरेराह बढ़ती छेड़छाड़ की घटनाओं पर कैसे एक आम लड़की रोक लगा सकती है, ये वानगी है उस बहादुरी की। सिंगरौली की ये लड़कियां दसवीं और बारहवीं कक्षा की हैं, जो कि आदिवासी छात्रावास में रहती हैं, और इन्हें एक लड़का काफी समय से अश्लील फोन कर परेशान कर रहा था। इन छात्राओं ने ना सिर्फ उस लड़के को सबक भी सिखाया बल्कि निर्भया फोर्स में भी उसकी खबर ली। एक लड़का मेरे को परेशान करता रहा चार दिन से, तो मैं परेशान हो गया था। अपने हॉस्टल के अंकल जी जो है उनको बताए, उसके बाद फिर अंकल जी ने राय दिए कि बोले जाओ उसको बुलाओ, फिर देखो कौन है उसको। फिर हम बुलाए, देखा तो बुलाए मैडम ने। उसके बाद उसको पूछे कि तुम क्या मेरे से चार दिन पहले तुम क्या बोले थे और अभी क्या बोलना चाहते हो। फिर उन्होंने बताया कि हम इस तरह बोले हैं, तो फिर हम उसका काला खबर लिए। अब एसपी कार्यालय में इन्हें बहादुरी के सम्मान से नवाजा जा रहा है, क्योंकि इन लड़कियों ने देश की बाकी लड़कियों को भी एक राह दिखाई है। मेरे को बताई, वो परेशान कर रहा था, तो फिर साथ में मैं भी आई बुलाई, तो फिर उसके बाद उसको पकड़ ली, फिर ले आई थी। इन बहादुर लड़कियों ने पहले छात्रावास अधीक्षिका को सारा मामला बता दिया था। एक हफ्ते पहले हुई इस घटना के बाद सिंगरौली एसपी ने छात्राओं को दफ्तर बुलाकर सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। उनके मुताबिक इस तरह के सम्मान से लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये भी ट्रेनिंग देती हूँ उनको कि अपने बचाव में क्या करना है, जैसे मिर्च की पुड़ी अपने साथ रखना, क्योंकि छात्रावास में स्कूल व्यवस्था वहाँ होती नहीं है, इनको बाहर किसी न किसी संस्था में जाके पढ़ना होता है। तो रास्ते में तरह तरह के लोग मिलते हैं इनको, आवारा लड़के कई बार मिलते हैं। कई बार पुलिस को मैंने सर्च ऑपरेशन भी कई बार करवाया है, क्योंकि शाम के समय अक्सर आवारा लड़के आसपास वहाँ पे बैठे रहा करते थे। तो चार पांच बार ये ऑपरेशन करवाने के बाद वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ बिल्कुल बंद हो गई हैं। मैं प्रशंसा करता हूँ, पूरे प्रशासन को पता है, पूरे मीडिया ने इनके बताया कि बच्ची वगैरह ऐसा किया गया है, और इनको मैंने आज केवल इसी काम के लिए पुरस्कृत किया है, और आगामी दिनों में इन्हें और भी उचित समय पर पुरस्कृत किया है। हालांकि पुलिस ने ऐसी हरकतों से निपटने के लिए निर्भया फोर्स तैयार की हुई है, जो लगातार स्कूल, कॉलेज और पार्कों के राउंडअप पर रहती है, लेकिन जरूरी यह है कि लड़कियां खुद अपनी शक्ति का एहसास करें, क्योंकि मौके पर उन्हें ही जूझना है। समय के लिए सिंगरौली से शकील अहमद सिद्दीकी।